राजसमंद में हनुमान प्रतिमा खंडित करने पर विवाद, मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात। राजसमंद शहर में कांकरोली थाना क्षेत्र के कोएड में भिलवाड़ा फोर लेन किनारे हनुमान जी की प्रतिमा खंडित करने पर विवाद उत्पन्न हो गया। असामाजिक तत्वों की करतूत के विरोध में कई लोग एकत्रित हो गए और हालात तनावपूर्ण होने की सूचना पर कांकरोली थाना प्रभारी दुर्गा प्रसाद मय जाब्ते के मौके पर पहुंच गए और लोगों से समझाइश करते हुए तत्काल हनुमान जी की नई प्रतिमा स्थापित करने की कार्रवाई शुरू कर दी। फिलहाल मौके पर पुलिस बल तैनात है और असामाजिक तत्वों के बारे में पुलिस द्वारा तहकीकात की जा रही है। समाज सेवी चंचल सनाटी ने बताया कि कोएड में हनुमान जी की प्रतिमा को बुधवार सुबह किसी असामाजिक तत्वों ने खंडित कर दिया। सूचना पर कई लोग मौके पर एकत्रित हो गए, साथ ही खंडित करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए और पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। और मैं गांव में नगर परिषद की तरफ जा रहा था, तो गांव में से फ़ोन आया मेरे पास कि भाई इस तरह की घटना हो गई। मैं तुरंत प्रभाव से सीआई साहब को मैंने कॉल किया और सीआई साहब और हम तुरंत प्रभाव मौके पर आए। मौके पर आए तो हमने स्थिति देखी कि भाई मंदिर मूर्ति जो खंडित हो रखी थी, और खंडित होने के बाद गाँव वाले सभी मेरे वार्ड के वासी इकट्ठे हुए हैं। और अब ये है कि ये हमारी सबकी यही मांग है कि भाई जो भी कोई भी अपराध हो, किसी ने भी अपराध किया हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। साढ़े 7 बजे सुबह 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 औरतें गई नहीं ये दूध निकालने, उन्होंने देखी ये, उन्होंने देखा नहीं, तोड़ते हुए तो देखा नहीं, नहीं तोड़ते, हाँ हाँ, वो ऐसे वो गए उस टाइम तो मूर्ति सही थी और वहाँ पे गई और आवाज आई धमाक धमाक की, तो उन्होंने सुना। क्षेत्रीय लोगों की मदद से खंडित हनुमान जी की प्रतिमा को हटाकर दूसरी स्थापित करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। उल्लेखनीय है कि क्षेत्रीय लोगों द्वारा सीमेंट से हनुमान जी की प्रतिमा बनाई गई थी, जहां पिछले करीब 30 वर्षों से क्षेत्रीय लोग नियमित सेवा पूजा करते आए हैं। फिलहाल मौके पर शांति है, मगर एहतियात के तौर पर पुलिस बल जाब्ता तैनात है और नई हनुमान जी की प्रतिमा लगाने की कार्रवाई की जा रही है। नाथ द्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5-स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथ द्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथ द्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। न्यायाधीश ने रैन बसेरा का किया निरीक्षण, सफाई व्यवस्था मिली चौपट, कर्मचारियों को लगाई फटकार। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मनीष कुमार वैष्णव ने नगर परिषद द्वारा संचालित भिलवाड़ा बाईपास कांकरोली पर संचालित रैन बसेरा का निरीक्षण किया। इस दौरान सफाई व्यवस्था चौपट मिलने पर उपस्थित कर्मचारियों को न्यायाधीश ने फटकार लगाते हुए सफाई व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए। रैन बसेरा में संधारित रजिस्टर में निरीक्षण के दौरान झाड़ू एवं पोछा लगाए जाने का इंदिराज मिला, परंतु निरीक्षण के दौरान रैन बसेरा में सफाई व्यवस्था असंतोषजनक मिली। इस पर उपस्थित कर्मियों को फटकार लगाते हुए सफाई व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए। रैन बसेरा में कार्यरत केयर टेकर द्वारा बताया गया कि बसेरा में मरम्मत का कार्य चल रहा है। निरीक्षण के दौरान अग्निशमन यंत्र नहीं मिला, साथ ही प्राथमिक उपचार किट में दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं मिली। इस पर न्यायाधीश ने पर्याप्त मात्रा में दवाइयां रखने के निर्देश दिए।